डे स्टार्ट विद डिफिकल्टीज, लीड कोड पे भी हार्ड और ग्राफ का क्वेश्चन एंड जीएफजी पे भी हार्ड, डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी भाई। चलो करते हैं इनको, थोड़ा होता है तो ठीक वरना आप सॉल्व करेंगे। ओके लेट्स गो। टाइम हो चुका है 9:47, क्लास हो गई ख़त्म। 8 से 9 एक क्लास थी आज एचएस की, वही थी बस। अब तो बस पढ़ना है खुद से ही, लेट्स गो। A few moments late. Hey guys, what's up? And it's next day, 30 August. And काफी कुछ चल रहा है। SQL पढ़ रहा हूँ लास्ट, तब से वगैरह पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ा नहीं है कभी। मैं MongoDB, Firebase ही यूज किया हूँ और SQL काफी कंपनियाँ मांग रहे हैं तो SQL ही पढ़ रहा था। काफी सारी चीजें पढ़ा, YouTube से भी पढ़ रहा, W3 स्कूल से भी देख रहा, थोड़ा बहुत GPT से भी कमांड्स वगैरह और जो भी कोडेस निप्स होते हैं। ईजी लग रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें। थोड़ा पढ़ लेता उसके बाद मैं किसी प्रोजेक्ट में से इंक्लूड करूँगा मैं एंड देन दिखाऊंगा। बाय द वे जो हमारा मर्न पे BTP है उसमें भी SQL यूज हुआ है तो वहाँ भी वो यूज हो रहा है तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया था, तो दैट्स व्हाई पढ़ रहा हूँ अभी। बाकी देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पौंडा जाना है एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करनी। आवाज़ नहीं आ रही होती थोड़ा जोर से बोल देना हूँ एंड हितार्थ एंड चैनल को कुछ काम है, मैं जस्ट ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के बाद जाऊँगा, कुछ थोड़ा बाहर का खा लेंगे एंड देन बाकी सारी चीज़ें देखते कुल। तब एक चीज़ है कि कोई भी इंटरव्यू निकालो थोड़ा, अगर तुम अच्छे से निकाल देते हो उसको एकदम तोड़ तरीके से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2 DA से पूछा था, एक मीडिया में कार्ड, दोनों क्वेश्चन कर दिए थे तो अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है सारी चीज़ों से बाहर आने के बाद में। बाकी इसी के साथ मेरा रिएक्ट वगैरह का रिविजन भी काफ़ी अच्छे से हो चुका है वापस। सो कोई भी कंपनी आ गई तो मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, बस देखना होगा थोड़ा बहुत कुछ, अगर डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके लिए। बाकी ऑल डन एंड बाकी देखते हैं क्या क्या कुछ और चीज़ें आएंगी तो बताएंगे। अभी कौन कौन सी कंपनी आने वाली हैं वो दिखा दे, वो बोल बता देता हूँ कंपनियाँ। एंड बाय द वे मैं रिव्यू रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आई डोंट नो, मैंने अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बट या मैं हर एक कंपनी का रिव्यू रिकॉर्ड करने वाला था। सो सब कुछ मैं बताऊंगा उसमें, क्या क्वेश्चन पूछे थे मैंने, कौन से किए कौन से नहीं किए, क्या मेरा रिव्यू था, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस था एंड कुछ टिप्स जो आगे आने वालों को, अगर वापस तुम वो गलतियाँ मत करना उसी के लिए, अगर तुम्हारे कॉलेज में भी ये कंपनी जाती है या फिर कोई भी कंपनी जाती है, इन जनरल टिप्स। सो लेट्स गो, बाकी देखते हैं, लेट्स गो, बाय। सिद्धार्थ मुझे एम्बेडेड के बारे में समझा, तू समझा तो मेरे साथ कौन कौन है। हेयर कट कराने आया मैं, जस्ट कुछ खाने आया था बाहर का एंड घूमने आया था थोड़ा थोड़ा, बहुत दिन हो गए थे बट प्लान पहले फिक्स कर लिया था और इतने में सेड मेक का लिंक आ गया था तो आई गेस सेड मेक का हुआ है सुबह, वो हेयर कट कराने आया था तो वी जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड अभी उसके लिए प्रिपेयर करना है थोड़ा सी का फंडामेंटल्स पढ़ने दैट्स इट एंड उसके बाद उसे देते हैं लेट्स गो। तो पौंडा का मौसम मतलब व्यू अच्छा होता है, लोग भी घूम रहे रहते हैं, भीड़ भाड़ भी अच्छा एरिया लगता है, इधर आके एकदम रिफ्रेश हो जाता है पूरा मूड। खाने वाला हो गाइस, तो मैं जाऊँ एक नए यूट्यूबर से मिलाता हूँ, देखो मतलब काफ़ी सीक्रेटली स्टार्ट किया था इसने एंड बाद में जाके सही है। हेलो भाई, तो जानते हो सबको तुम पहले से ही वाली छाता, देखो भाई पीछे का जो व्यू दिखता है इसमें नाइस ना, पहाड़ देखते क्या कर रहा है, अगर उधर रुकी तो उधर जाना पड़ेगा, सर में वो कर रहा है चलते हैं लोगों। Hello people, how are you? Everything all right? People asking what about your GRE? Yeah. Okay. Later that night. आ गया। इलाहाबाद। यार तो मेरे रूम में FIFA चल रहा था, ग्रुप तो मैं बाहर गया था क्योंकि कल एक और आ गई, अभी इसको लेते पहले क्योंकि अभी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता वैसे उधर।
मैं तो फर्स्ट ईयर वालों का स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन, बेसिकली मैं तो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं ऑलरेडी मैं पोजीशन हैंड ओवर कर चुका हूँ, सो दैट लास्ट होने वाला है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसे एंड थोड़ा मिल भी लेंगे जूनियर से। बाकी thank you.